हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे पास है मिनी एलएफ कैमरा और ये मेरा ऑफिस है। तो यहाँ पे लगा हुआ है कुक 7i लेंस, आप देख सकते हैं। तो इसमें यूज़र बटन्स है, इसमें बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं। ये विफाइंडर है, इसमें भी बहुत सारे बटन दिए गए हैं। हालांकि पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ मिनी एलएफ का मेनू सेटिंग का। तो आज मैं आपको लाइव मेनू सेटिंग कुछ कुछ दिखाने वाला हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट्स है। और बस इतना ही, मतलब ज़्यादा लंबा बनाऊंगा तो 20-30 मिनट का वीडियो बन जाएगा। तो कुछ कुछ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है उस चीज़ के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये है मिनी एलएफ का विफाइंडर का एलसीडी और पूरा मेन्यू यहीं से सेट होता है। इसमें दो बटन साइड में हैं और तीन ऊपर हैं, तीन नीचे हैं। और ये जॉग व्हील है, इसको आप रोटेट कर सकते हैं ऐसे ऐसे, बीच में आप बटन दबा सकते हैं, ये भी दबता है, इसमें ओके होता है। और साथ में आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, जॉग व्हील यहाँ से भी मेनू आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओके दबाने के लिए इसको भी दबा सकते हैं। साथ में विफाइंडर 1, विफाइंडर 2 ऐसे यूज़र बटन दिए गए हैं। प्लेबैक का भी बटन ये वाला है, एक्सपोजर का ये है और मैग्नीफाई का ये है। और ये तो पता ही है आपको, ज़्यादा उल्लू बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से आप FPS डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। ऊपर का बटन दबाएंगे तो FPS जो भी ऐसे घुमाएंगे ऐसे, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो आप इसको बीच में दबाएंगे तो ओके हो जाएगा। तो ऊपर का सेटिंग सब सेम है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे पर दबाएंगे ISO तो ISO आ जाता है। इसमें NDB है तो NDB आपको सेट करना होता है कई बार, आप देख सकते हैं इसमें सेट है। अभी ND नहीं है तो ND के लिए आपको यहाँ दबाना पड़ेगा। तो आप ND 1.2, 1.6 ये देखिए आपको दिख रहा होगा जब भी आप इसको घुमाएंगे तो ND यहाँ से सेट होता है। अभी मैं ND सेट नहीं करता हूँ। यहाँ से आपका केल्विन वाइट बैलेंस जिसको बोलते हैं वो सेट होता है, शटर एंगल यहाँ से होता है। अब हम आ जाते हैं मेन्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो बटन है यही मेन्यू का है, यहाँ पे लिखा होता है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया तो मिटक गया है। तो इसको आप ऐसे दबाएंगे तो ये मेन्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आता है रिकॉर्डिंग, जहाँ आप रिकॉर्डिंग कोड वगैरह एरी रो या फिर आप किस पे शूट करना चाहते हैं वो सब सेट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग रेजुलेशन सेट कर सकते हैं। ये देखिए ओपन गेट सेट हो गया। ज़्यादा करके लोग LF लेने का मतलब है कि आप ओपन गेट ही शूट करेंगे, नॉर्मल पे नहीं जाते लोग, क्योंकि लार्ज फॉर्मेट है। अभी मैंने ओपन गेट पे सेट किया है तो लोडिंग हो रहा है। अब देखिए मेरा ये एरी रो ओपन गेट पे सेट हो गया है, ओपन गेट का फ्रेम लाइन वगैरह ये आ गया है। और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट सेटिंग में जा सकते हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग वो होता है जहाँ पे आपका बेस सेट होता है। बेस सेट यानी कि आपकी फिल्म है, एड फिल्म है, गाना है, आप क्या शूट कर रहे हैं उसके ऊपर से है। 24 FPS जो है वो फिल्म के लिए शूट होता है। आजकल वेब सीरीज ज़्यादा शूट हो रही है तो 25 रख सकते हैं, 25। तो बेस सेट आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी आप अगर हाई स्पीड जाते हैं, 50-60 जाते हैं, अगर आपको एडिट करते समय अगर आपको हाई स्पीड नहीं करना है तो आप नॉर्मल 24 पे आ सकते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट रील काउंट, यहाँ पे कार्ड नंबर कितना है, 1, 2, 3। कार्ड का बात आती है तो कार्ड दिखा देता हूँ। ये आप बटन देख सकते हैं, इसको मैं ऐसे करूँगा तो ये बटन ये वाला कार्ड है, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है। कैमरा इंडेक्स आप देख सकते हैं, ABC बहुत सारे कैमरे हैं तो आप कैमरा नंबरिंग कर सकते हैं, ABCD कौन सा कैमरा है। तो आप इसमें कैमरा इंडेक्स कलर, ये वाइट कलर जो दिखता है, मतलब कैमरा ए जो है वो कौन से कलर में दिखेगा, इंडेक्स कलर जो है वो कौन सा कलर में दिखेगा। कैमरा ID जो है ये मुझे भी अच्छी तरीके से पता नहीं है, इसके बारे में मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है। तो इसके बारे में कभी पढ़ के मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूँगा। ये होता है लेंस एक्सक्यूज फैक्टर। लेंस एक्सक्यूज वो होता है जब आप एनामॉर्फिक लेंस यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लेंस है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। एनामॉर्फिक जब आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे 1.8, 1.6, 1.5 जो भी है लिखा होता है वो यहाँ पे आपको सेट करना होता है। तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसलिए मैंने इसे 1 पे सेट किया है। इसे आप देखिए 1.8, 1.5, जैसे 2 एटलस का लेंस अगर आप यूज़ करते हैं तो 2 एनामॉर्फिक सेट होता है, ठीक है। उसके बाद और नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं अभी बैक आ जाता हूँ। इसी से बैक होता है जहाँ पे ये लिखा होता है, सॉरी, वहीं आपको बटन दबाने होते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड बीपर में आ गया, आपको रिकॉर्ड करते समय आवाज़ चाहिए नहीं चाहिए, आवाज़ चाहिए तो आप इसको टिक मार्क कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं। इसमें आप कट करते समय आवाज़ चाहिए कि नहीं चाहिए ये भी आप कर सकते हैं। मीडिया फुल बीपर, मीडिया फुल होगा तो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए ये भी आप कर सकते हैं।
और टेली जो अगर यहाँ पे एक लाल लाइट जलती है, अगर आप उसे ऑन करेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग करते वक्त रेड लाइट चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। वह ऑडियो रिकॉर्डिंग में आप यहाँ पे चैनल सेट कर सकते हैं, इसको मैनुअल मैनुअल ये कभी कभी यूज़ होता है, मतलब मोस्टली साउंड रिकॉर्डिंग लोग करते हैं, लेकिन करना आपको ही है, कैमरा टेक्नीशियन को ही ये ऑडियो सेटिंग करके देना होता है, ठीक है। और नीचे कुछ भी नहीं है तो रिकॉर्डिंग का काम अभी ख़त्म। फिर हम बैक आ जाएंगे मीडिया, मीडिया में इरेज मीडिया प्रिपेयर यूएसबी मीडिया, ठीक है। तो दोनों ही आप फॉर्मेट कर सकते हैं, इरेज मीडिया में इरेज मीडिया होता है और प्रिपेयर मीडिया में, तो ये आप इरेज मीडिया जब जाएंगे आप तो दोनों को साथ में दबाएंगे, दोनों बटन को साथ में दबाएंगे ये दोनों को, तो दोनों इरेज हो जाता है। अभी मुझे नहीं करना है तो मैं बैक जाता हूँ। मॉनिटरिंग में आ जाते हैं, मॉनिटरिंग में आ जाता है AVF मॉनिटर, ठीक है। तो फ्रेम बॉर्डर वो होता है, देखिए फ्रेम बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं ये हटाता हूँ तो इसके अंदर जो है ये देखिए लाइन जो है वो जाता आता है, फ्रेम बॉर्डर उसको बोलते हैं। ये AVF का हो गया। मैग्नीफिकेशन 100 ही रखिए। पिकिंग आप कलर पिकिंग चाहिए, पिकिंग लेवल क्या बढ़ाना घटाना है, पिकिंग वो होता है जो फोकस करते समय काम में आता है पिकिंग। उसके बाद आता है सेटिंग्स, आप इसमें AVF ब्राइटनेस वगैरह आप बढ़ा घटा सकते हैं, AVF पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं, IP सेटिंग ये होता है जब हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप इसको ये कर सकते हैं, AVF रोटेशन कर सकते हैं 180, मतलब जो अंदर दिख रहा है सीधा सीधा उसको आप ये भी कर सकते हैं 180, मतलब ये कर सकते हैं। मॉनिटर का ब्राइटनेस, ये वाला जो ब्राइटनेस है इसको आप कम बेसी कर सकते हैं, आप देखिए इसे कम होता है ऐसे ज़्यादा होता है, तो उसको आप 6 जो भी है कर दें। मॉनिटर फ्लिप ऑटो ही रखें, जब भी आप ऐसे घुमाएंगे तो ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा, ये देखिए तो ऑटोमेटिक ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये है इसमें सेटिंग्स में। AVF ओवरले में फ्रेम लाइन जाना चाहिए, ओवरले उधर फ्रेम लाइन सेटिंग हो गया। फ्रेम लाइन सेटिंग वो होता है जब आप कोई भी फ्रेम लाइन रखते हो तो आप उसमें एक्स्ट्रा मास्क डाल सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, आप फ्रेम लाइन उसमें सेटिंग कर सकते हैं। सेंटर क्रॉस मार्क आपको पता ही होगा, ये जो क्रॉस मार्क दिखता है यहाँ पे उसका है। सराउंड मास्क ये भी आप ब्लैक लाइन मास्क जो भी आप कर सकते हैं। स्टेटस इन्फो ये सब ज़्यादा अपना कुछ ज़रूरत नहीं होता है। मॉनिटर ओवरले में वही सेम सेटिंग जैसा कि AVF ओवरले में था। उसके बाद SDI में आ जाते हैं, SDI आप क्या देना चाहते हो, 24-25 आप यहाँ से सेट कर सकते हो। मास्टर मैग्नीफिकेशन 100 रखे, कभी कभी इंडिकेस 120 भी होता है, 108 भी रखते हैं, बहुत सारे लोग अपने हिसाब से मास्टर मैग्नीफिकेशन रखते हैं। मास्टर मैग्नीफिकेशन आप करते हो तब थोड़ा सा जूम होता है, ये फ्रेम जो भी दिख रहा होता है वो जूम होता है, मतलब ये जो फ्रेम होता है वो जूम होता है। फ्रेम लाइन इसमें भी आ गया, फ्रेम लाइन आप रख सकते हो इसमें, फ्रेम लाइन आप इसमें देखिए जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अभी ओपन गेट है तो ओपन गेट का ही दिखेगा, अगर आप 16:9 में जाते हो तो 16:9 में आप जा सकते हो। अगर आपको ऐड करना, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे यहाँ से ऐड कर सकते हो। और कभी कभी यहाँ पे भी नहीं रहता है तो आपको यहाँ पे जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे USB है, देख सकते हैं USB में आपको फ्रेम लाइन डाउनलोड करना पड़ता है लैपटॉप से एरी के वेबसाइट से, फिर आपको यहाँ पे सेट करना पड़ता है, तब जाके यहाँ से आपको ऐड करके कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो फ्रेम लाइन जो कलर है ये वाइट दिख रहा है तो मैं इसे अभी रेड करूँगा, ये देखिए कलर चेंज होता रहता है, दिख रहा होगा ग्रीन रेड, तो मोस्टली इंडिया में रेड रखते हैं, आपकी इच्छा आपका रख सकते हैं। फ्रेम लाइन इंसिटिटी आप कितना दिख रहा है, मतलब डार्क कितना करना है, ज़्यादा लाइट दिखे कम दिखे उसके ऊपर है। यूज़र रेक्टेंगल मुझे इसके बारे में पता नहीं है तो बताने की कोशिश मैं नहीं करूँगा। एक्सपोजर टूल्स, मॉनिटर एक्सपोजर टूल, ये सब पल्स कलर ये सब आप सेट कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से। कलर बार्स तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, कलर बार जब यूज़ होता है जब आपको लाइटिंग सेट करनी होती है। उसके बाद हम लुक पे आ जाते हैं, लुक हमेशा ARRI 709 ही रहता है, रिकॉर्ड 709, ARRI 709, लॉक्सी भी रख सकते हैं। अब देख सकते हैं इसमें जो भी है, क्लासिक 709, ARRI 709, ARRI का नया आ गया है 21 LHK 1K 200 ऐसा आता है, ठीक है। तो आप अपना डिफ़ॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, ऐड में जाके आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं लुक आपको कैसा दिखना चाहिए। सिस्टम में देख सकते हैं सेंसर नॉइस रिडक्शन वगैरह है, फैन मोड, जब आप फैन चलेगा तो लो नॉइस आवाज़ कम करना चाहिए। शटर यूनिट, शटर एंगल या शटर एक्सपोजर टाइम, ये आप दोनों सेट कर सकते हो।
जैसे मैंने एक्सपोजर टाइम सेट किया, देखिए वो शटर इसके टाइप में आ गया, ठीक है। शटर एंगल करूँगा तो फिर ये डायरेक्ट डिग्री में चला जाता है, तो ऐसा है। पावर कंजक्शन, बैटरी आपकी जो चल रही है वो कितने में वार्निंग देना शुरू कर दे, हालांकि ये दो बैटरी पे चलती है, भी माउंट पे, डब्बा बैटरी पे। हमारे पास एक्स्ट्रा क्रेडल है, क्रेडल में मैंने बैटरी से इसको पावर दिया है, फिर भी माउंट से इसको दिया है, फिर इस क्रेडल से इसमें गया, तो आप दो पाउडर से चला सकते हो। इस साइड में कोई भी मेन्यू नहीं है, सिर्फ आपका टी सी इन वगैरह केबलिंग करने की सिस्टम दी गई है। लेंस, उसके बाद आता है लेंस माउंट सेटिंग, इसे आप एनेबल कर सकते हैं। LDS ऑन होता है, यहाँ पे लेंस का जो भी डाटा है वो मॉनिटर पे दिखता है या UHF में दिखता है। सिस्टम डेट एंड टाइम, आप डेट एंड टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बटन एंड डिस्प्ले, आप डिस्प्ले जो है वो डे नाइट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। बटन ब्राइटनेस, ये जो बटन्स है इसके आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, देखिए बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसे है। उसके बाद इसमें कैमरा एक्सेस प्रोटोकॉल, ये मुझे पता नहीं। नेटवर्क वाईफाई में आप इसको मोबाइल के थ्रू, वाईफाई के थ्रू आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मोबाइल में पूरा मेन्यू आपका कंट्रोल मोबाइल में आ जाएगा, और उसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं पता है। सेटअप में आप अपना यूज़र सेटअप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बस ये इतना ही था। उसके बाद आ गया इसमें यूज़र बटन। यूज़र बटन्स में जो B1, B2 आप इसमें सेट कर सकते हो, जो भी इसमें बटन दिख रहा है। उसके बाद में ये जो बटन है 1, 2, 3, 4, इसमें भी आप सेट कर सकते हो। कैमरा यूजर्स बटन्स में है, WC यूज़र बटन, जब आप फोकस मोटर भी लगाओगे तो अभी उसमें आप सेट कर सकते हो, ठीक है। मेटा डाटा वो होता है जो, जैसे कि इंडिया में बहुत सारा यूज़ नहीं करते, मेटा डाटा वो होता है कि कौन सी प्रोडक्शन है, कौन सी प्रोडक्शन कंपनी है, और डायरेक्टर कौन था, सिनेमाटोग्राफर कौन था, DOP कौन था, कैमरा ऑपरेटर कौन था, ये सब आप इसमें सेट कर सकते हो। हालांकि इंडिया में ये लोग यूज़ नहीं करते इतना सब, वो क्लैप बोर्ड में ही लिखा होता है, इसलिए लोग यहाँ पे नहीं लिखते। और ये है क्या इसी, शायद ये, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे लेंस डाटा शो कर रहा है। कुक 7i 40 लिखा है तो यहाँ पे शो कर रहा है। रेडियो चैनल 4 है, आप इसमें इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। इससे इसका एक मोटर आता है इस का, शायद एरी वालों ने नया लॉन्च किया है, उसके पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इन्फो में आपको वर्जन इन्फो दिखता है, कौन सा वर्जन कैमरा चल रहा है, सिस्टम इन्फो कितना चल गया इसके ऊपर दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हो कैमरा सीरियल नंबर दिखता है, ऑपरेटिंग आवर्स ये 2627 आवर्स चल गए, और सेंसर टेम्परेचर अभी 40 डिग्रीज है, और सेंसर टेम्परेचर अभी ओके बता रहा है। कुछ ज़्यादा डिग्रीज आता है तो यहाँ पर वार्निंग भी शो करता है, लेकिन अभी तक LF में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है। यहाँ पे मीडिया इन्फो, USB इन्फो, नेटवर्क इन्फो, ये सब इन्फो के बारे में ही यहाँ पे है, तो ये मोस्टली ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। हमारा यूज़ होता है रिकॉर्डिंग, मीडिया, मॉनिटर, लुक और सिस्टम सेटअप। बस ये जो मेन्यू दिख रहा है यही मेन्यू ज़्यादा यूज होता है। तो ये था पूरा मेन्यू। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और मैं आपको ऑफ़ करके भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे एक बटन होता है मिनी, अगर आप काम किया होगा मिनी में तो आपको पता होगा, इसको आप दबा के रखेंगे तो पावर ऑफ का बटन जो होता है वो ऑफ़ हो जाता है, और एक बार इसको पुश करेंगे तो ये ऑन भी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।